नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। भारतीय सुहेलदेव समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज संत कबीर नगर पहुंचे। यहां हमारे संवाददाता अमित प्रताप मिश्रा ने उनसे खास बातचीत करी। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखिए इसकी एक झलक। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की 1011वीं जयंती का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हर जगह जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और इसी के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए महाराजा सुहेलदेव जी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय चाहते थे। समान शिक्षा हो, समान अवसर रोजगार का सबको मिले, समान सबको नौकरी मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो और हम वंचित समाज जो आज़ादी के 73 साल से जो समाज अभी तक अधिकार से वंचित है, ऐसे लोगों से निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आप अपने बच्चे को शिक्षित करोगे तभी वो इतिहास जानेगा, आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी वो नौकरी पाएगा, तभी वो रोजगार करेगा। शिक्षा आपके परिवार में होगी तो आपके परिवार का डेवलप विकास होगा। जब तक आप शिक्षा की तरफ मूव नहीं करोगे तब तक आप विकास की तरफ नहीं जा सकते हो। ये संदेश हम पिछड़े गए लोग, जो अधिकार से वंचित लोग हैं, जो आज़ादी के 73 साल में आज भी 60% ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। सरकार शिक्षा के प्रति सही उसका ईमान नहीं है, वो गरीबों के साथ भेदभाव हो रहा है। हम लोगों की जो सोच है ये लोग संगठित कर रहे हैं कि हम लोग खुद, जब हमारे वोट से सरकार बन रही है तो हम अपने वोट से सरकार बना करके हम लोग शिक्षा फ्री करेंगे, हम लोग रोजगार मुहैया कराएंगे, हम लोग प्रदेश में जो अमीरों का कर्जे माफ़ हो रहे हैं तो हम गरीबों के बिजली के बिल हम उनके माफ़ करने की तैयारी में हैं कि हम लोग अपनी सरकार बनाई जाए। आपकी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। हम 17 साल से इनके बीच में घूम रहे हैं, हमारी जगह दूसरा कोई होता तो छोड़ के भाग गया होता, लेकिन हम जानते हैं कि ये अशिक्षित लोग हैं, ये जल्दी ही इनको चालाक लोग बहका लेते हैं, तो इनको हम सावधान करते रहते हैं कि अब आप बहुत समय हो गया, अब अपनी लड़ाई खुद लड़ो।